किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो हेलो बच्चों, नवाबी यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवा सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो चलिए हम आज आपको जो इंग्लिश सेट वन है बच्चों उसका हम क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन करवा देंगे क्लास टेंथ का, ठीक है। और पूरा बेस्ट सॉल्यूशन करेंगे और पीडीएफ भी देंगे बच्चों। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि बच्चों अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पहले वीडियो को आप लोग जरूर देखा कीजिए, वीडियो को देखिए उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, ये प्रोसेस है। वीडियो देख लोगे तो आधा चीज़ अपने ही क्लियर हो जाएगा, पीडीएफ फिर पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, पीडीएफ प्रिंट आउट कर लेना। और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन दे रहे हैं तो चलिए आप लोग को हम दिखाते हैं किस तरह से सॉल्यूशन होगा। डेढ़ घंटे का पेपर रहेगा, 40 मार्क्स का आपका फुल मार्क्स है इंग्लिश का, 10 इंग्लिश 10 क्लास टेंथ का ही है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन पर बढ़ते हैं। और आपको मैं बता दूं कि दोनों चैनल हमारे ही हैं, बोर्ड आबा और नवाबा, दोनों चैनल से आप लोग जुड़ के रहिएगा ताकि इसी तरह के अपडेट यहाँ पे मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पर, ठीक है। तो देखो बच्चों आप लोगों को फर्स्ट में पैसेज दिया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पैसेज को सॉल्व करने का आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स का ही रहेगा सिर्फ ये। चलिए रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सॉल्यूशन करवा दिया, हिंदी भी लिखवा दिया ताकि जो बच्चों को हिंदी में दिक्कत इंग्लिश में दिक्कत वो थोड़ा समझ सके। लेकिन एक बात मैं बता दूं बच्चों को, आपको हिंदी से प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको इंग्लिश में ही समझने का आदत डालना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में दिक्कत होगा। मैंने फिर भी कर दिया है, लेकिन इसके आप मतलब इस पर डिपेंडेंट नहीं हो जाइए, इस पर निर्भर नहीं हो जाइए, आपको अपने खुद से हिंदी करने आना चाहिए। चलिए देखते हैं। मास कोपिंग इन द एग्जामिनेशन हैज रिड्यूस्ड एजुकेशन टू ए जोक, बोल रहा है कि सभी लोग आजकल मिलकर क्या करते हैं, नकल करते। एग्जाम में देखे होंगे पूरा क्लास का क्लास पूरा एकदम यार एकदम शिक्षा व्यवस्था का एकदम बर्बाद हो चुका है, सभी लोग बैठ जाते हैं, सभी लोग चोरी करते हैं, खुद टीचर भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। कितने बार आप लोग सुने होंगे कि पेपर में कितने सारे टीचर भी पकड़े जाते हैं। तो मास कोपिंग इन द एग्जामिनेशन बोलता है कि परीक्षाओं में जो ये इस तरह की सामूहिक नकल की जाती है, सभी लोग मिलकर जो करती है, वो शिक्षा का स्तर गिरा दिया है और इसे मजाक बना दिया है। आगे देखो, द लेंथी कोर्सेज ऑफ स्टडी एंड द सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन बोलता है कि आर द रूट कॉज ऑफ इट, बोलता है कि इसका जो सबसे मुख्य जड़ जो है, जो सबसे बड़ा कारण है इस तरह होने का, उसका सबसे बड़ा कारण है कि कोर्सेज बहुत लंबी रहती हैं, साल भर पढ़ना पड़ता है बच्चों को और साल भर की चीज़ें उनको याद रखना पड़ता है कि एनुअल एग्जामिनेशन का जो यहाँ पे सिस्टम है, इसी कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बींग टू एक्सप्रेस ऑनेस्टली विद इन 3 आवर्स ऑल दैट ही हैज़ लर्नड इन फुल 1 ईयर, बोलता है ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो साल भर जो बच्चे पढ़े हैं उसका एग्जामिनेशन 3 घंटे में कर लिया जाए और वो उसमें अपना एक्सप्रेस कर सके, जो भी सीखे हैं वो सारी चीज़ें बता सके, है ना। ऐसा थोड़े कि कोई बच्चा अगर कोई 70 नंबर लाया और कोई 65 नंबर लाया तो 65 नंबर वाला उससे कम पढ़ा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं होता है बच्चों। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो 65 वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादा मेहनती होते हैं, लेकिन किसी कारणवश जो इन्होंने 70 वाला जो नंबर लाया है उसका कॉपी चेक करने अच्छे से चेक कर दिया और हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन वैसे आ गए जो ये जानता था और ये नहीं जान पाया, तो ऐसा होता है बच्चों। तो ठीक कहा गया कि 3 घंटे में 1 साल का पूरा एग्जामिनेशन कैसे लिया जा सकता है, है ना। नेचुरली देखिए क्या लिख रहा है, नेचुरली स्टूडेंट्स आर फोर्स्ड टू क्रैम सर्टेन थिंग्स, बोलता है कि नेचुरली मतलब कि प्राकृतिक तौर पर बच्चों को इससे क्या पता चला कि साल भर की चीज़ें आपको रटनी चाहिए, तो ये बोल रहा है क्रैम एवरी थिंग सर्टेन थिंग, सभी चीज़ें रटनी होगी एंड कॉपी अदर फ्रॉम अदर सोर्स इन द एग्जामिनेशन, और दूसरों के अगर नहीं जानते हो तो आगे पीछे से कॉपी करना पड़ेगा। बस यही बच्चे सोचेंगे कि हमको किसी भी तरह से पास करना है। द रिजल्ट ऑफ ए रिजल्ट स्टूडेंट शुड बी डिटरमाइंड बाई हिज परफॉर्मेंस अराउंड द ईयर, जो लिखे हैं आर्टिकल उनके हिसाब से जो बच्चों का परफॉर्मेंस या जो देखा जाना चाहिए कि किस तरह से उनका मतलब कि साल भर का प्रदर्शन है, तो वो पूरे बच्चे का साल भर का प्रदर्शन देखना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार में 3 घंटे में उसको बता दे कि उसने साल भर पढ़ा या नहीं पढ़ा। द क्लास टीचर शुड बी अनट्रस्टेड विद द डिफिकल्ट टास्क, जो कक्षा के शिक्षक है उन्हें कठिन कार्य सौंप दिए जाने चाहिए, किस तरह के, ही विल हैव टू राइज, मतलब कि यहाँ पे देखिए लेखक को अपना सजेशन डाल रहा है ना, ही विल हैव टू राइज एवर प्रीटी वर्ल्ड वाइड कंसिडरेशन, बोलता है वो चारों तरफ जितने भी दुनिया में होते हैं अच्छे उदाहरण को ढूंढ के उसको रखना चाहिए, और मस्ट बी ब्रेव, और वास्तविक रूप से ब्रेव मतलब कि निर्भीक होना चाहिए, इम्पार्शियल, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, और बच्चों के बीच कनेक्शन अच्छा मजबूत बनाना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे हिंदी भी कर दिया है, परीक्षा सामूहिक नकल आप लोग चाहते इसको देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा बच्चों, पीडीएफ में आपको ये हिंदी वाला भी आप चाहेंगे तो ले लेंगे, लेकिन मैंने हिंदी तो बता दिया है, तो आपको अब हिंदी देख लीजिएगा तो एक बार में याद आ जाएगा जो मैंने बताया। अब देखिए इस पैसेज पर ही आधारित कुछ क्वेश्चन है कि व्हाट हैज मेड एजुकेशन ए जोक, तो इसका आंसर हो जाएगा मास कोपिंग इन द एग्जामिनेशन हैज मेड एजुकेशन ए जोक, आप लोग को मैंने बता दिया। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मास कोपिंग, बोलता है कि जो मतलब कि बहुत सारे लोग जो होते हैं अगर मास कोपिंग करते हैं, नकल करते हैं, तो उसका क्या अंजाम होता है, उसका कारण क्या है, कारण क्या है, कॉजेज मतलब कारण,
कारण। तो कारण क्या है, द लेंदी कोर्स ऑफ स्टडी, बहुत ही लंबा स्टडी है, साल भर का सिलेबस कंप्लीट करना रहता है। द सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन, बोलता है कि जो साल भर में एग्जामिनेशन होती है, यही इसका मेन कारण है। आप लोग ऊपर पढ़ भी चुके हैं, देखिए पैसेज में ढूंढना आना चाहिए, देखो पैसेज में यहाँ से मिल जाएंगी सारी चीज़ें, है ना। देखो यहाँ पर पहला का आंसर यहीं पर है, ठीक है, तो ये ढूंढने आना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर यहीं है, देखो द लेंदी कोर्सेज ऑफ स्टडी हेड में द आर द रूट काउज ऑफ हिट, यहीं पे दोनों आंसर दे दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है कि हाउ शुड द रिजल्ट ऑफ ए टीचर स्टूडेंट भी डिटरमाइंड, बोलता है कि किस तरह से बच्चों का जो होना चाहिए रिजल्ट, मतलब कि बनना चाहिए, किस आधार पर बनना चाहिए। तो क्या बोलता है, द रिजल्ट ऑफ ए स्टूडेंट शुड भी डिटरमाइंड, किस तरह से तय किया जाना चाहिए उसके साल भर के परफॉर्मेंस के हिसाब से। आगे देखो, अकॉर्डिंग द पैसेज व्हाट क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड टू ए टीचर, बोलता है कि पैसेज के अनुसार टीचर में क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए। तभी आपने पढ़ा द टीचर शुड वर्क हार्ड, मतलब बच्चों टीचर को कठिन परिश्रम करना चाहिए। दिस शुड बी फेयर impartial and brave, उनको मतलब कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, impartial होना चाहिए और बहादुर होना चाहिए, ठीक है, शिक्षक को। दे हैव टू इंक्रीज द कनेक्शन बिटवीन चिल्ड्रेन एंड themselves, उनका कनेक्शन जो है बच्चों के साथ मजबूत होना चाहिए, ठीक है। यही सारी चीज़ें ऊपर दी थी तो मैंने लिख दिया। कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस पूरा करना है कि हाउ इज इट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बींग, तो यहाँ पे आगे क्या लिखा है बच्चों, टू एक्सप्रेस ऑनेस्टली विद इन 3 hours ऑल दैट ही हैज लर्नड इन फुल 1 year। तो आप लोग देखोगे आगे पैसेज में तो ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा, आगे यहीं पे जुटेगा। आगे देखो, मास कोपिंग इन द एग्जामिनेशन, तो आगे हैज रिड्यूस्ड एग्जामिनेशन टू द जॉक। तो ये देखो, 2 नंबर जो ये था ये फ्री का था, ये आप लोग एग्जाम में गलती मत करना। ये सारे क्वेश्चन आप लोग पैसे से सिर्फ कॉपी करना, सेंटेंस पूरा करना है तो कर लीजिएगा। मेकिंग ए मेक ए मीनिंगफुल सेंस विद द वर्ड परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के साथ एक सेंटेंस बनाना है कोच के, तो बना दिए। द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट शुड बी डिटरमाइंड बाई हिज अराउंड द ईयर, देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस छूट गया, द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स द परफॉर्मेंस यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, द परफॉर्मेंस यहाँ पे रिजल्ट की जगह में परफॉर्मेंस कर लेना, हाँ आप लोग समझ गए होंगे। ऑफ स्टूडेंट शुड बी डिटरमाइंड बाय अराउंड हिज ईयर। आगे देखो, गिव ए सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, तो हो जाएगा रोल ऑफ टीचर, ठीक है। अब देखो यहाँ से रिटन एंड ग्रामर में आ गए बच्चों, तो चलिए इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन। राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू स्टडी हार्ड एंड अवॉइड बैड कंपनी, बोलता है कि अपने एक भाई, छोटे भाई को आपको पत्र लिखना है, उसको समझाना है कि जो गंदे दोस्त हैं उन गंदे दोस्तों को छोड़ो और पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, मतलब गंदे दोस्तों को छोड़ना बोला जा रहा है बैड कंपनी को। तो ऐसे करके पैसेज लिखना है बच्चों, यहाँ पर सीधे आपको अपना एड्रेस डालना है जहाँ पर भेज रहे हैं, रोज कॉलोनी न्यू दिल्ली, आपको फिर डेट डालना होगा, माई डियर परवीन अपना दो भाई का नाम, और उसके बाद ये सारी चीज़ें लिख देनी है। आई रिसीव योर प्रोग्रेस रिपोर्ट बाई द मॉर्निंग मेल टूडे, आई एम ग्रेटली पेन टू फाइंड दैट यू हैव फेल्ड ऑलमोस्ट इन ऑल द सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को देख लेनी है, ठीक है। सभी का अगर मैं हिंदी बताने लगा तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, तो आप लोग अपने एंड से देख लीजिए। बस यही सारी चीज़ें हैं कि तुम मतलब एग्जाम में वो फेल कर गया होगा तो इसको पैनिक हो गए होंगे कि इतना एग्जाम में ख़राब कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसको एडवाइस देगा कि हो सकता है तुम्हारे गंदे दोस्त होंगे, है ना, तो उनको बोलेगा कि उनसे आप दूरी बनाओ, अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। बस यही सारी चीज़ें लिखी होंगी, ठीक है। देखो उसके बाद लास्ट में कैसे एंड करना है वो देख लीजिए। आई देयरफॉर एडवाइज यू टू मेंड योर वेज, मैं इसलिए तुम्हें ऐसा सलाह देता हूँ कि अपने रास्तों को सुधारो। मेंड करना मतलब सुधारना, बदलना। आई एम श्योर इफ़ यू पुट योर हार्ट एंड सॉल इन टू स्टडीज, अगर तुम अपने पूरे दिल लगा के पढ़ोगे यू कैन इम्प्रूव, तुम सुधार सकते हो, ठीक है। अब देखो एक और पैसेज लेटर लिखना है BSNL एरिया मैनेजर BSNL को, किस लिए लिखना है कि उसका जो डेड फोन्स का जो रिक्वायर्ड एरिया में है, जो एरिया में उसको सुधारवाने के लिए, डेड फोन टेलीफोन्स मतलब जो टेलीफोन्स काम नहीं कर रहे उनको रिपेयर करवाने के लिए। तो देखो यहाँ फिर से एड्रेस लिख देना है जिनको लिखना है, जहाँ तक पत्र भेजना है। फिर देखो टू द एरिया मैनेजर, ये वाला कॉलम बहुत अच्छे से लिखना है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद टेलीफोन एक्सचेंज ऑफिस और किनको लिख रहे हैं, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेन अबाउट डेड फोन्स के अलावा मतलब बारे में विषय में ये कंप्लेन है। सर अब यहाँ पे लिखना होगा इट इज़ टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट मेनी टेलीफोन हैव बीन डेड फॉर द लास्ट 15 days और इन आवर एरिया। यहाँ पे बोल रहा है कि उनको मतलब कि सर जो जिनके पास पत्र लिखा गया वो उनका ध्यान आकर्षित करते हुए बोलते हैं कि यहाँ 15 दिनों से हमारे जो एरिया है वहाँ पे टेलीफोन काम नहीं कर रहे हैं। कंप्लेंट्स टू दिस इफेक्ट हैज़ बीन लॉज, है ना, बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन, मैंने कंप्लेंट कई बार किया है लेकिन अभी तक कोई लिया नहीं गया है ना। उसके बाद देखो वी आर रिक्वेस्टेड टू टुक इन टू द मैटर, तो आप खुद इसको मतलब कि अपने संज्ञान में लें और काम करवाएं, ठीक है। यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, फिर आप योर फेथफुली और अपना नाम यहाँ पे फिर डाल देना है, आप अपना नाम डालिएगा ये सारी जगहों में, ठीक है। आंसर एनी टू द फॉलोइंग, बोलता है कि दो क्वेश्चन का कोई भी आंसर देना है, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। राइट ए पैराग्राफ ऑन डिसिप्लिन और वर्क इन, देखो बच्चों दोनों में से किसी एक के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है, या तो डिसिप्लिन के ऊपर या तो वर्क इज वर्कशिप। तो चलिए पहले मैंने डिसिप्लिन के ऊपर आपको
पैसेज यहाँ पे लिख दिया है, सॉरी पैराग्राफ लिख दिया। देखिए पैराग्राफ, डिसिप्लिन मीन्स फॉलोइंग सर्टेन रूल्स एंड नॉर्म्स। बोलता है कि डिसिप्लिन मतलब अनुशासन का मतलब ही है किसी बताए गए निश्चित रास्ते पर या अच्छे रास्ते पर चलना। ह्यूमंस लिव इन ए सोसाइटी एंड सोसाइटी नीड्स टू बी डिसिप्लिन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। बोलता है कि सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा, सारी की हिंदी में करने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा बच्चों। तो ये डिसिप्लिन पर आप देख सकते हैं, ठीक है, आप लोग चाहे तो उसको नोट भी कर सकते हैं, पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा। अब देखो वर्क इज वर्कशिप पर है कि पूजा ही एक काम ही कर्म ही पूजा है या काम ही पूजा है, इसका हिंदी हुआ, ठीक है। तो देखो द प्रोवर्ब वर्क इज वर्कशिप डील्स विद द एटीट्यूड पीपुल हैव टुवर्ड्स द वर्क दे डू। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी के आंसर यहाँ पे मैंने अपने को बता दिया है, सभी का आंसर मैंने बता दिया है। अब देखो पैराग्राफ लिखाना है अपना लास्ट बर्थडे के ऊपर, है ना, कि डिस्क्राइब करना है कि लास्ट बर्थडे तुम कैसे मनाए हो, उसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है। तो देखो बर्थडे इज वेरी स्पेशल डे, कि जन्मदिन बहुत ही अनोखा दिन होता है, दैट वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू, जिसके लिए हम लोग हमेशा से इंतजार करते हैं, है ना, लुक फॉरवर्ड मतलब इंतजार करना। इट वॉज माई, देखो यहाँ पर मैं स्पेस छूट गया है, आप लोग स्पेस नहीं देना है, ऐसा साथ साथ में लिखना। देखो स्पेस सब जगह छूट गया, आप लोग स्पेस मत देना एग्जाम में। इट वॉज माई 10th बर्थडे ऑन 9th नवंबर, ये मेरा 10वां जन्मदिन, मतलब 10 साल का हो गया बच्चा, और ये 9 तारीख को था। तो ये आप सारी चीज़ें देख लीजिएगा कैसे मैंने लिखा है बच्चों, ठीक है। इन सभी चीज़ों का आप एक बार प्रैक्टिस करोगे घर में, तभी आप जाके फिर वहाँ एग्जाम में लिख पाओगे, समझ रहे आप मेरी बात, देख लीजिए सब। माई बेस्ट फ्रेंड क्या लिखा हुआ, माई बेस्ट फ्रेंड रोहन गेव मी ब्यूटीफुल हैंडमेड बर्थडे कार्ड। मेरा जो दोस्त रोहन है उसने मुझे बहुत ही अच्छा हाथ से बने हुए बर्थडे गिफ्ट का मतलब बर्थडे का कार्ड बना के दिया है, जन्मदिन का कार्ड, ठीक है। अब देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। वी कट केक प्लेट गेम्स में, हमने केक काटा, कुछ मतलब कि खेल खेले, एंड एट सम डिलीशियस फूड, और कुछ स्वादिष्ट खाने भी खाए। माय फादर गिफ्टेड मी ए ब्रांड न्यू साइकिल, मेरे पापा ने एक नए ब्रांड की बहुत ही अच्छा साइकिल दिया है। दिस वाज द लॉन्ग अवेटेड गिफ्ट फॉर मी, और ये मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। तो ये सारी चीज़ देख लीजिएगा। माय मदर विश्ड मी ए लॉट ऑफ सक्सेस इन माय लाइफ, मेरी माँ ने मुझे भविष्य में सक्सेस के लिए मतलब कि विश किया है, ऐसा किया है। चलिए देखिए इस तरह से सारी चीज़ आपको करनी है, देख लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से सभी एक एक लाइन जो मैंने छोड़ा, नहीं छोड़ना आपको। अब देखिए यहाँ से भरना था बच्चों, तो देखिए मैथमेटिक्स कंसीडर टू बी ब्यूटी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो इज जाएगा बच्चों, यहाँ पे इज भराएगा, ठीक है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज है ना इन द क्लास नाउ, बोलता है नाइदर आर, है ना, नाइदर ऑफ द टू बॉयज आर इन द क्लास नाउ। फिर देखो आई बाउट द हाउस बिलोंग्स टू श्यामा, तो हो जाएगा आई बाउट द हाउस दैट बिलोंग्स टू श्यामा। आगे देखो यहाँ से फिर आंसर करना है बच्चों, आंसर एनी थ्री बोल रहा है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपको दिया हुआ है पैसेज, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है ना, इसका आंसर देना है। देखो नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिज एक्सट्रैक्ट हैव बीन टेकन, क्या हो जाएगा बच्चों, द ट्रीज से लिया गया है। हु हैज़ रिटन दिज लाइन्स, हो जाएगा एड्रिन रिच, ठीक है। और देखो बोल रहा है व्हाट डज द पोएट से अबाउट हर हेड, अपने दिमाग के बारे में वो क्या कहता है। द हेड ऑफ द पोएट इज गोइंग विद विस्पर्स ऑफ ऑल काइंड, मतलब उनके दिमाग में क्या हो रही है, चुलबुलाहट हो रही है, कुछ मतलब कि सुरसुराहट की आवाज़ सुनाई दे रही है। विस्पर मतलब होता है धीमा आवाज़। अब आगे देखो क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, कि रीड द पैसेज इन फॉलोइंग क्वेश्चन, बोलता है फिर से ये पैसेज रीड करना है और फिर से आंसर देना है बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं, वेयर डिड द बेकर रिकॉर्ड हिज अकाउंट्स, तो हो जाएगा सम वॉल इन पेंसिल। व्हेन डिड द बेकर कलेक्ट हिज बिल्स, हो जाएगा एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में। आगे देखो विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज ए सिनोनिम ऑफ बिजनेस, बिजनेस का आपको सिनोनिम आपको ऊपर से खोजना है, तो क्या हो जाएगा प्रोफेशन, ठीक है, यहीं से खोजना रहता है बच्चों। मैं बता दूँ सिनोनिम यहाँ पे आपको खुद ये पैसेज में ही मिलेगा, तो वो सभी का आदत होना चाहिए, है ना। व्हाट मैसेज डज द पोएम एनिमल्स विश टू कॉन्वे, मतलब कि इस कहा पोएम से एनिमल्स से आपको क्या मतलब संदेश दिया जा रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है द पोएट वाल्ट विटमैन विश टू कॉन्वे द मैसेज दैट मैन शुड लिव हैप्पी कंटेंडेंट, बोलता है आदमी को खुश रहना चाहिए, पीसफुल लाइफ लाइक द एनिमल्स, जानवरों की भांति एकदम सद्भाव रहना चाहिए, शांति रहना चाहिए। ही शुड नॉट इंडल्ज इन अमेजिंग वेल्थ, है ना, इट विल मेक देम सेल्फिश, है ना, सिर्फ वेल्थ के मतलब अपना धन बढ़ाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इट विल मेक सेल्फिश, तो आपको इससे क्या हो जाते हैं, स्वार्थी बनते हैं, लालची बनते हैं, पाप करते हैं, कमिट सिंस, कुछ गलत काम करने लगते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल, बोलता है कि भोली के माता पिता विशंबर्स के जो मतलब उनका जो शादी का जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं। तो देखिए भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड विशंबर्स, है ना,
प्रपोजल बिकॉज ही हैड ए बिग शॉप, इसलिए स्वीकार कर लेते क्योंकि विशंबर का बहुत बड़ा दुकान था। ही शॉप हाउस एंड सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, है ना, उसका अपना घर था और बैंक में कुछ हजार रुपये भी थे। ही डिड नॉट इवन आस्क फॉर डॉरी, उसने दहेज के लिए भी कुछ कहा नहीं। हर मदर थाउट ऑफ दे डोंट एक्सेप्ट इट, सी वुड नॉट बी मैरिड फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, होली वॉज लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक से ही दिए गए। अब देखो फिफ्थ नंबर में आ जाएगा एनी आंसर एनी टू, कोई दो का आंसर आपको देना है ना। हाउ इज बियर्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोन लाइफ, तो देखो ये इसका आंसर मैंने यहाँ पे कर दिया है, देख लीजिएगा। ठीक है, ये लेंदी क्वेश्चन हैं तो इन सबको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ब्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गॉन लाइफ, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज ए बॉल, बॉल के नाम से जाना जा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर उसी का थोड़ा सा आगे यहाँ पे भी है पार्ट। अब देखिए आपको करेक्टर स्केच करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। करेक्टर स्केच आता है जितने भी आपको एक बुक में, जितने भी करेक्टर स्केच करने के लिए दिया गया है सबका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑसेबल का यहाँ पे पूछा गया था, देखो ऑसेबल इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ सीक्रेट एजेंट, जनरली सीक्रेट एजेंट्स दैट आर डिस्क्राइब इन डिटेक्टिव बुक्स आर शोन इन फिल्म्स आर वेरी स्मार्ट एंड गन फ्रेंडली, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सारी बहुत लंबी चीज़ें हैं तो आप लोग का बुक में दिया हुआ है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए देखिए अगला है कि whom did Horace Danbury meet at Suit Over Grange, है ना, how did the meeting after his plans, ये साथ में ही आएगा, ऊपर नीचे हो गया। तो आंसर देखिए मैंने यहाँ लिख दिया कि Horace is a met a young pretty woman dressed in red at Suit Over Grange, बोलता है कि वो एक सुंदर लड़की से जो कि बहुत अच्छे कपड़े में थी उससे मिला। तो सारी चीज़ आप देख लीजिएगा, है ना, सारी आंसर मैंने यहाँ पे आपको इसलिए कर दिया बच्चों ताकि आप लोग नोट करके देख लीजिएगा। Why did the Valley refuse to look out of the window on her way back, क्यों वो देखने से मना कर देता है मतलब खिड़की से। तो देखिए यहाँ पे फिर क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे मैंने आपको डाल दिया है। तो आशा करते हैं बच्चों कि आप लोग सारे का आंसर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा एग्जाम के टाइम। ठीक है, हो सके तो प्रिंट आउट कर लेना और प्रैक्टिस करते रहना। तो सभी सब्जेक्ट का आप देख रहे होंगे बच्चों मैं बेस्ट सोल्यूशन दे रहा हूँ, मैथ का भी मैं दे चुका हूँ, ठीक है, हिंदी का भी मैं दे रहा हूँ और इंग्लिश का भी दे रहा हूँ। तो धीरे धीरे आप लोग को मिलेंगी सारी चीज़ें, इसकी इंतजार मतलब कि इसके लिए चैनल से जुड़े रहिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम बता देता हूँ जिसमें आपको मिल जाएगा क्या बोलते हैं पीडीएफ। तो देखो दो मेरे चैनल है, पहले एक देखिए मेन जो ग्रुप चैनल है, मेन ग्रुप चैनल है ये बोर्ड आभा BOARD बोर्ड AED है, ठीक है, बोर्ड आभा जो चैनल का नाम है BOARD बोर्ड AABH बोर्ड आभा, फिर आगे लिखा हुआ रहेगा जैक बोर्ड, ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा जैक बोर्ड, ब्रैकेट में क्या लिखा रहेगा जैक बोर्ड, ठीक है, तो सर्च मारोगे मिल जाएगा। टेलीग्राम में सर्च मारना, एक और चैनल है जैक बोर्ड क्लास 10, तो दोनों से जुड़ जाइएगा, जैक बोर्ड क्लास 10 चैम्प्स, ठीक है, तो ये दोनों से आप लोग जुड़ जाइएगा। आशा करते हैं बच्चों कि वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर किया कीजिए। इससे क्या होता है बच्चों कि हम लोग को भी अच्छा लगता है कि सारे बच्चे शेयर करते हैं, तो हमें भी लगता है कि चलिए हमारे वीडियोज़ बच्चे देख रहे हैं तो हमें भी काम करने में मज़ा आता है। तो आप लोग शेयर जरूर किया कीजिए, और अगला कौन सा वीडियो पर हम लोग लाएँ, कौन सा आपके लिए ज़रूरी है मैथ्स इंग्लिश और हिंदी में, तो आप कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, कोई भी तरह का डाउट है नीचे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।